वेलकम टू माय चैनल नव्यास क्विक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे दाल बाटी। तो दाल बाटी बनाने के लिए सबसे पहले बनाते हैं दाल, उड़द की दाल। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दाल हमने भिंगो कर रखी है, तो ये दाल हम कुकर में डाल देंगे। कुकर में ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है। अब दाल डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और अदरक और इसको अच्छे से चला देंगे। हींग एक पिंच, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। और सभी मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। और इसको अच्छे से चला दें। अब इसका ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का। ढक्कन लगा दिया है प्रेशर कुकर का और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक हम दाल को पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, 4 सीटी आ गई हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अब हम बनाना शुरू करते हैं बाटी। तो यहाँ पर मैंने ली है एक परात और अब हम इसमें आटा लगाएंगे बाटी के लिए। तो यहाँ पर ले रहे हैं आटा, गेहूं का आटा ले लेंगे। 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ में लेंगे और इसे क्रश करके डालेंगे। हाथ से अच्छे से मसल कर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, मिक्स कर देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे रिफाइंड ऑयल डालना है और इसको अच्छे से मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मुट्ठी बांधकर देखेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बंधना शुरू हो गया है। इसका मतलब आटा बिल्कुल सही है। और अब हम इसमें पानी डाल डालकर आटा गूंथेंगे और थोड़ा हमें टाइट आटा लगाना है, जिस तरह से पूड़ी का लगाते हैं। आटा हमने लगा दिया है, कुछ इतना हमें टाइट रखना है, ज्यादा सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है। और अब हम इस आटे को एक प्लेट से ढक देंगे और आधा घंटे के लिए हम इसे साइड में इसी तरह से रख देंगे। जब आटा सेट हो रहा है आधे घंटे के लिए, तब तक हम बाटी के लिए कढ़ाई गरम करने रख देते हैं। तो गैस ऑन कर लेते हैं फ्रेंड्स। कढ़ाई को एक प्लेट से ढक देंगे। तो जब तक कढ़ाई अच्छे से गरम हो रही है, तब तक हम आटा चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, अब हम आटा चेक कर लेते हैं। और अब हाथों को थोड़ा सा चिकना करेंगे और आटे को अच्छे से मसलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा अच्छे से हमने मसल मसल कर बहुत ही अच्छा सा कर लिया है, चिकना बना लिया है आटा। और अब हम इसमें से छोटे छोटे साइज में हमें बॉल्स तैयार कर लेनी है। इस तरह से गोल गोल बॉल बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल 12 बॉल्स बनकर तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, अब कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम इसमें कढ़ाई में इस तरह का स्टैंड रख देंगे। इसको उल्टा करके कुछ इस तरह से हम स्टैंड को रख देंगे। अब दूसरे स्टैंड को
इस तरह से रखना है। दो स्टैंड रख दिए एक के ऊपर एक, और अब हम इस पर बाटी को रख देंगे। इससे बाटी जलेगी नहीं, प्लेट से कवर कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर हम अप्पे स्टैंड को रखेंगे। अप्पे स्टैंड को हमने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब हम इसमें जो बाटी हमने कढ़ाई में बनाई थी उन बाटी को अब इसमें रख देंगे। अब इसको एक ढक्कन से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम सभी बाटी को पलट देंगे जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, और दूसरी साइड थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल से हम इसको ग्रीस कर देंगे और इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है बाटी। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से दबाएं और घी में डिप करें। सभी बाटियों को इसी तरह से रखते जाएं। और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है एकदम शानदार दाल और बाटी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको दाल और बाटी की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर दाल बाटी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपके नोटिफिकेशन पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।